उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत शासन के निर्देशानुसार प्रदेश भर में विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत नए मतदाताओं के वोट बनवाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में नगीना नगरपालिका परिषद द्वारा भी लोगों में जागरूकता फैलाने का काम किया जा रहा है। नगीना नगरपालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी इंद्रपाल सिंह द्वारा नगर में अनाउंसमेंट कर लोगों को वोट बनवाने के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही नगर के दयानंद वैदिक इंटर कॉलेज में कैंप का आयोजन कर 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके नए मतदाताओं के वोट बनवाए जा रहे हैं। कैंप में BLO, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षा मित्र और नगरपालिका के कर्मचारी नए मतदाताओं को जागरूक कर उनके वोट बनवाने तथा मताधिकार का उपयोग करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आज सरायमीर फर्स्ट, सरायमीर सेकंड और कुछ सराय के जो वोट हमारे हैं, जो वोट यहाँ पड़ते हैं, उन सबके जिनकी उम्र 18 वर्ष हो रही है 2022 में, 1 जनवरी 2022 में जिनकी उम्र 18 वर्ष हो रही है, उन सबके पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं। और जिनकी नई शादियां हुई हैं, जो बहुएं यहाँ पे आई हैं, उनके बन रहे हैं। और जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जो लोग, जिन लड़कियों की यहाँ से शादी हो गई है, उनके वोट कट रहे हैं। अच्छा, कुछ लिस्टों में भी सुधार होना बाकी है? हाँ, लिस्टों में सुधार, अगर जो नगर पालिका के चुनाव हैं, वार्ड मेंबरी, चेयरमैन और लोकसभा विधानसभा, ये अभी विधानसभा के लिस्ट बन रही है। अगर सरकार नगर पालिका और लोकसभा विधानसभा की लिस्टें एक कर दे तो मेरे हिसाब से 100% वोट बन जाएंगे। ये कब तक चलेगा अभियान? ये अभी इसमें 3 से 4 कैंप और लगेंगे। हर 7वें 8वें दिन कैंप लग रहा है और वोट बन रहे हैं, शनिचर, कभी कभी शनिचर, वरना इतवार के दिन। तो युवा वर्ग के तो जागरूक हो गए? युवा को जागरूक करा जा रहा है। मैंने तीनों मस्जिदें हैं, मंदिर है अपने वार्ड में, सब जगह अनाउंस करा दिया है। और लोगों के घर घर जाके भी कह रहा हूँ मैं कि साहब, आप सब लोग अपने वोट बनवाएं, और लोग जागरूक हैं, वोट बनवा रहे हैं। नगीना से केशवदास शर्मा की रिपोर्ट।